अरे तू जूस कब से बेचने लगी? वो कौन है ये? अरे कोई नहीं यार, मेरे यहाँ काम करती थी, काम छोड़कर भाग गई थी। कहती थी इतने पैसों से मेरा गुजारा नहीं है। अब बता, नौकरों को कितने पैसे थे? बड़ी अजीब लड़की है। अच्छा कितना कमा लेती है जूस बेचकर? देखिए। ओए तमीज से ऊंची आवाज में बात मत कर, समझी? तू आज भी मेरे लिए नौकर ही है, या याद दिलाऊं तुझे तेरी औकात? देखिए मैं आपसे तमीज से ही बात कर रही हूँ, और मैं यहाँ जूस पीने आई थी, बेचने नहीं। जूस वाले भैया थोड़ी देर के लिए उधर गए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं उनके ठेले का ध्यान रख लूँ। अच्छा तो ये काम भी करने लग गई, तो कितने ठेलों का ध्यान रख लेती हो? वैसे अच्छा खासा तो कमा ही लेती होगी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने कमा लेती हूँ और कितने नहीं। वो आ गए हैं जूस वाले भैया, चलती हूँ मैं। अच्छा सुनो, जूस तो पीती जाओ, पैसे मैं दे दूंगा, तुम्हारे पास तो होंगे नहीं। तुम? ये तो वही है ना, तेरी नौकर। हाँ यार, पर ये यहाँ कैसे? तुम दोनों इंटरव्यू देने आए हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये मेरी कंपनी है। क्या तुम इस कंपनी की बॉस कैसे? तुम्हारे यहाँ से मैंने जॉब छोड़ी क्योंकि उसमें मेरा गुजारा नहीं होता था। मैं अपनी फैमिली को संभालने वाली अकेली हूँ, और मुझे अपने लिए भी कुछ करना था। मैं अपनी जिंदगी के साथ ऐसे समझौता नहीं करना चाहती थी। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि गरीबी में पैदा होना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उस गरीबी में मर जाना आपके हाथ में होता है। और मैं ऐसे गरीबी में मरना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना था, कुछ बन के दिखाना था, जिसके लिए मैंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की कि कैसे करना है, क्या करना है, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मुझे माफ कर दो, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। पुरानी बातों को बीच में मत लाओ, मैंने जो बोला उसे भूल जाओ। भूल जाओ? बिल्कुल भी नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। और तुम्हारा जैसा बिहेवियर है ना, वैसा बिहेवियर मैं अपनी कंपनी में बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। सो जस्ट लीव, तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। देखो ऐसा मत करो, हमें इस जॉब की बहुत जरूरत है। हाँ और मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था आपको, प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लो ना। सॉरी, माय डिसीजन इज फाइनल। और तुम जिस तरीके से वहां खड़े होकर इसका साथ दे रहे थे ना, इसके साथ हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं समझ गई थी कि तुम भी इसके जैसे ही हो। तुम दोनों जा सकते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो। तुम जैसे लोग ना अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, ना ही किसी और को करने दे सकते हो। जहां से शुरू करते हो ना, हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हो। अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करो, और तुम खुद को देखो, पैसों का कितना घमंड था तुम्हें, और आज तुम क्या कर रहे हो? नौकरी ढूंढ रहे हो। देखो मैं तुम दोनों को क्लियर कर चुकी हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई जॉब नहीं मिल सकती। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो यहाँ से। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously, and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.